हमीरपुर जिला के एक अधिकारी को तीन तीन सब डिवीजन का कार्यभार देखने का जिम्मा मिला है और सबसे बड़ी बात हमीरपुर जिले का ये अधिकारी तीनों सब डिवीजन का कार्यभार बखूबी निभा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक अधिकारी को इस तरह तीन तीन कार्यालय में सेवाएं देते हुए बुलाया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नगर परिषद सुजानपुर के अधिकारी संजय कुमार की, जो वर्तमान में नगर परिषद सुजानपुर में बतौर कार्यकारी अधिकारी तैनात हुए हैं, लेकिन नगर पंचायत नादौन में सचिव का पद रिक्त होने के कारण उन्हें अतिरिक्त कार्यभार नगर पंचायत सचिव नादौन का दिया गया है, जिसे वे सुजानपुर के साथ साथ नादौन में भी बखूबी निभा रहे हैं। वहीं अब उस अधिकारी को नगर परिषद अधिकारी हमीरपुर का अतिरिक्त कार्यभार भी दे दिया गया है और ये अधिकारी वहाँ भी बखूबी अपनी सेवाएं देने में जुट गया है। मतलब नगर परिषद अधिकारी सुजानपुर, नगर परिषद अधिकारी हमीरपुर, नगर पंचायत सचिव नादौन, तमाम कार्यालय एक ही अधिकारी के अधीन चल रहे हैं। नादौन में सचिव का पद रिक्त होने के चलते उन्हें अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है और वर्तमान में नगर परिषद अधिकारी हमीरपुर किशोरी लाल ठाकुर, जो कोरोना संक्रमित हो गए हैं, आगामी 2 सप्ताह के लिए होम आइसोलेट हैं। ऐसे में नगर परिषद हमीरपुर में कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए नगर परिषद अधिकारी सुजानपुर संजय कुमार को ही हमीरपुर नगर परिषद अधिकारी का भी अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया है। अधिकारी संजय कुमार की माने तो तीनों कार्यालय चलाने का जिम्मा मिला है, जिसे वे बखूबी निभा रहे हैं। उच्च अधिकारी को जो निर्देश मिलेंगे उनके पालना होगी। सुजानपुर नगर परिषद, हमीरपुर नगर परिषद और नगर पंचायत नादौन तीनों कार्यालयों के लिए सप्ताह के दिन निर्धारित किए गए हैं। उन्हीं के अनुसार प्रत्येक कार्यालय को संभाला जा रहा है, लोगों को सुविधाएं मिले उनका यही प्रयास है। मुझे जैसे कि नगर पंचायत नादौन का हाल ही में अभी नगर परिषद हमीरपुर का भी कार्यभार मिला है, लेकिन वो उसका मैं रोटेशन रूप में जो है कार्य को सुचारू रूप से चलवा रहा हूँ। जैसे एक कभी एक दो स्टेशनों को एक बार जाकर आता हूँ, कभी एक दिन छोड़ के हर स्टेशन पे जा रहा हूँ। नगर परिषद हमीरपुर में पिछले काल ही मैंने कार्यभार संभाला है,